हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे, छुट्टी का दिन, एंड आज मैं आ गई हूँ वापस से अपने घर। मींस एक घर से दूसरे घर आ गई हूँ। मायके में रही 4 से 5 दिन एंड मैं आई हूँ सैटरडे की नाइट को, क्योंकि सिर्फ एक ही छुट्टी थी संडे की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे सैटरडे को ही पिक करके जाओ, क्योंकि लेट हो जल्दी हो, एटलीस्ट संडे का पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। तो बस आज इस बार मेरा बहुत ही अच्छा टाइम हुआ मायके में। शौर्य ने बहुत इन्जॉय किया, स्कूल गया नहीं, समर वेकेशन उसने इन्जॉय कर लिए। कल से वो जाएगा स्कूल, उसका एडमिशन भी हो गया है। एंड अभी तो वो खा रहा है आलू, क्योंकि अभी मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी लंच में, तो उसमें से हमने आलू निकाल निकाल के शौर्य को दे दिए थे, तो वो उसे अच्छे लग रहे हैं, तो वो वही खा रहा था। एंड नानी के यहाँ भी उसने बहुत इन्जॉय किया, नानी को बहुत अच्छा लगा। इस बार मैं काफ़ी दिनों बाद 4-5 दिन के लिए रुकी, जल्दी आ जाती, बट मेरे हस्बैंड का कुछ ऑफिशियल इशू हो रहा था कि वो लेट ही आ रहे थे ऑफिस से, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन और रुक जाओ, फाइनली मैं तुम्हें संडे को ले जाऊँगा। तो अभी हम लंच करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं था घर में, तो मैंने सिर्फ आलू टमाटर की सब्जी बनाई। टमाटर भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो 2-3 ही मिले मुझे उसके लिए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो मैं रेडी होके बैठी हूँ। एंड अभी मैंने एक वीडियो भी शूट की है, मैंने एक ट्राई ऑन हॉल और शॉपिंग ऑनलाइन जो मैंने की थी उसकी मैंने एक वीडियो शूट की है, तो वो होपफुली इससे जल्दी आ जाएगी। तो पहले आप वो देखिएगा, फिर इसको इन्जॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। एंड अभी हम जा रहे हैं मूवी के लिए, संजू मूवी देखने का मुझे बहुत मन था, तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने आज ऑनलाइन उसकी बुकिंग कर ली थी, क्योंकि बहुत जल्दी सीट्स फिल हो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने आज करी। यहाँ पास वाले थिएटर में नहीं मिली हमें, जो हमारे पास है सर्व मॉल एंड एक नया मॉल खुला, तो हम दूर जाएंगे उधर फतेहबाद रोड पे TDI मॉल में, तो वहाँ पे हमारा इनका कूपन भी लग गया है, तो वहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न भी ऑफर में मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ हम मूवी भी इंजॉय करेंगे। तो बस मैं वहीं के लिए रेडी हो चुकी हूँ, मूवी वीडियो भी मैंने शूट कर लिया है, शौर्य को भी रेडी कर दिया है, मेरे हस्बैंड को बस रेडी होना है, तो हम बाहर जाने के लिए बस निकलने ही वाले हैं। एंड वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है, तो हमें आधा पौन घंटे 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं पेट्रोल वगैरह भी भरवाना है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक मूवी दिखाने अपने साथ लेकर चलती हूँ, एंड उसके बाद हम जाएंगे डिनर आउटिंग के लिए, तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज फिर से चलते हैं आगरा की सैर पे। सो मैं हो गई रेडी, मैंने टॉप है चेंज कर लिया है, मैंने ये नया टॉप निकाला है। मेरे हस्बैंड नीचे से की फेंक रहे, क्या कर रहे हो? हे भगवान, अरे मेरे मुंह में पड़ी तो की आ गई है ऊपर। सो मैं जल्दी से करती हूँ लॉक। एक्चुअली मैंने टॉप इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे प्रिंटेड जेगिंग पे प्लेन टॉप चाहिए था, एंड मेरे सारे प्लेन टॉप हो गए थे पुराने, तो मैंने ये नया जो मेरा स्टॉक रखा था उसमें से निकाल लिया है। एंड अभी मैंने मिंत्रा से भी काफ़ी सारे टॉप ऑर्डर किए हैं, तो मैं उसकी भी शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी, बट पहले मैं जाती हूँ नीचे इसे लॉक। अब हम मॉल पहुँच चुके हैं, ये TDI मॉल फतेहबाद रोड पे है, तो बस अब पार्किंग दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, एंड पार्किंग के रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने 20 को 30 कर दिया है चेंज करके अपने आप ही। तो बस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, काफ़ी दूर पड़ जाता है ये सिकंदरा से हमें यहाँ आना, बट कभी कभार चलता है, एंड यहाँ काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल गया था, तो इसलिए हमने सोचा चलो यहीं चलते हैं। आगरा के मॉल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एंड ना ही इनमें बहुत ज़्यादा शॉप हैं, तो इस मॉल में भी बहुत ही लिमिटेड शॉप हैं आप देख सकते हैं। बट यहाँ मैगडी है, एंड ये नया खुल रहा है चॉकलेट रूम करके, एंड ये दूसरा जो है ये खुल चुका है, तो बहुत लिमिटेड ही यहाँ पे रहता है, लेकिन घूमने के लिए रेयर ऑप्शन है, तो लोग यहीं आ जाते हैं। शौर्य को ला के दिए एक आइसक्रीम, एंड हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि हम घर से लंच करके आए थे, एंड मूवी में अभी थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा मैगडी में ही बैठ जाते हैं। तो बस अब हम ऊपर चले जाएंगे, एंड ये शौर्य अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है, एंड मैं अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रही हूँ। अब आप चैनल बनाते हो यूट्यूब पर, तो आप हर समय चेक करते रहते हो कितने सब्सक्राइबर्स, कितनी वो बड़े। संजू तो दिखने दो, कहाँ गई संजू, ये रही।
मिल जाएगी, मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, कहाँ है सॉरी, अपनी पढ़ाई करता रहता है, उसका रिवीजन चल रहा है। अब मूवी ओवर हो चुकी है एंड मूवी वॉज सो गुड ना रियली यार, आप लोग सब देखिएगा, मैं बोल रही हूँ बहुत ही अच्छी मूवी है, इट्स एन अमेजिंग मूवी। इस मॉल से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मॉल के अंदर ही इस तरह से थोड़ी बहुत स्टॉल्स लगी हुई हैं एंड बच्चों के लिए ये कुछ झूले हैं, राइड्स हैं, छोटी छोटी ही हैं, बट ये है कि बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं हैं एंड एक दो नए नए ईटिंग जोन्स खुल गए हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक चॉइस मिल जाएगी। अगर कोई लोग आगरा विज़िट कर रहे हैं तो वो लोग इसे घूमने जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शॉपिंग के लिए जाइए, बट ठीक है, एक आप आउटिंग के लिए आप TDI मॉल जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी इज़ डन, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, उसका प्रॉपर रिव्यू मैं घर जाके दूंगी। अभी हम रास्ते में खड़े हैं एंड हम खाने का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड गए हैं पिज़्ज़ा हट देखने कि टेक अवे पे कोई ऑफर है, क्योंकि शौर्य थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो हम सोच रहे हैं कि घर जाके ही खा लें। ये रहा शौर्य, लेकिन अब उसका मूड ठीक हो गया, सब ये देखिए सब चॉकलेट चॉकलेट लगा लिया, ओरियो बिस्किट का उसने क्या हाल किया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सारे बिस्किटों में से क्रीम निकाल के खा गया है, ओरियो बिस्किट उसने छोड़ दिए एंड अब उसने खुलवा लिया है एक चिप्स एंड वो मूवी में सो गया था, तो हमने काफ़ी मूवी आराम से देख ली, बट आफ्टर इंटरवल वो उठ गया था एंड मौसम आज ठीक हो रहा है, उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, तो खाने का बस हमारा हर बार का यही रहता है कि हमें खाने को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या खाएं, यही होता है घर पहुँच जाओ घर पर ऑर्डर कर लो। लेट्स सी कि क्या फाइनल करते हैं, अगर उनका मन होगा तो हम यहीं बैठ मतलब डाइन इन कर लेंगे, अदरवाइज टेक अवे करेंगे, बट टेक अवे में मुझे लगता है कि घर पे ऑर्डर कर लो वो ज़्यादा बेटर है, कुछ कैशबैक तो मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट पे, तो लेट्स सी जो भी प्लान होगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, घर आ चुके हैं हम वापस एंड हमने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में कोई डिनर नहीं किया, क्योंकि जब हमने पिज़्ज़ा हट में पता किया तो वहाँ ऑफर था बट वो टेक अवे पे था एंड फिर हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है एंड वो हमसे नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हमने पिज़्ज़ा नहीं लिया। हम बिल्कुल देसी खाना लेके आए हैं, दाल रोटी सब्जी, किसी एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट से, मीन्स एक ढाबा टाइप का मिल गया था ऑन द वे, तो हमने उसी से ले लिया। मैंने कहा चलो अब यहाँ का भी ट्राई करते हैं, तो बस वही अब मैं खाना लगा के लाती हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा डिनर, इसमें है दाल मखनी, मिक्स्ड वेज एंड स्टफ्ड नान। तो यही था आज का मेरा व्लॉग जिसमें मैंने आपको शेयर किया है आगरा का एक और मॉल, तो आई होप आपको अच्छा लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।